नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट कम्बिनेशन की मेडिसिन के बारे में, और एमोक्सीसाइक्लिन 500 mg और पोटेशियम क्लोरमेट 125 mg के बारे में बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, इसका साइड इफेक्ट क्या है, यूज क्या है और कंट्राइंडिकेशन क्या है और एडवर्स रिएक्शन क्या है। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर। एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है, और मतलब शरीर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। एमोक्सीसाइक्लिन पेंसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। इसके जो यूजेस होते हैं, एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट के यूजेस जो हैं वो ईयर इन्फेक्शन और निमोनिया और टॉन्सिलाइटिस और ब्रंकाइटिस और साइनोसाइटिस और इम्पीटिगो और स्किन डिसीज, स्किन इन्फेक्शन, ENT और ब्लड इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। ये इसके यूजेस हैं और ये बहुत ही कारगर एंटीबायोटिक है, और इसके जो डोजेस होते हैं वो 625 mg की BD चलाई जाती है एडल्ट में, और बच्चों में आपको चलती है बच्चों में 375 mg की। तो ये जो 625 mg की टेबलेट होती है, इसमें एमोक्सीसाइक्लिन 500 mg होता है और पोटेशियम क्लोरमेट 125 mg होता है। तो इसके जो डोजेस होते हैं वो BD चलाए जाते हैं, ये एक हफ्ते से लेके 2 हफ्ते चलाए जा सकते हैं कंटिन्यू। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं, एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट के जो साइड इफेक्ट हैं, उसमें दस्त मतलब डायरिया होने की संभावना होती है, साइड इफेक्ट होते हैं इसके, और अनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसके साइड इफेक्ट हैं, और एरिथ्रमा इसका साइड इफेक्ट है, जिसको स्किन प्रॉब्लम कहते हैं, स्किन पर लाल लाल दाने पड़ना एरिथ्रमा होगा उसको कहते हैं, और इस वैजिनाइटिस जो महिलाओं को योनि में खुजली जलन होती है, ये एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट के साइड इफेक्ट हैं, और लाल लाल चकत्ते बनते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, और ये इसके साइड इफेक्ट हैं। और एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट के साइड ड्रग इंटरेक्शन बताने चल रहा हूँ। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि इन दवाओं के साथ नहीं ले सकते हैं। तो एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट को आप वारफरीन टैबलेट के साथ नहीं ले सकते हैं। आप मेथोट्रेक्सेट टैबलेट के साथ इसको नहीं ले सकते हैं। आप एलोप्यूरिनाल के टैबलेट के साथ, जो कि यूरिक एसिड में चलाई जाती है जाइलोरिक टैबलेट, वो टैबलेट अगर आपकी एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट चल रहा है तो आप जाइलोरिक मतलब एलोप्यूरिनाल टैबलेट नहीं ले सकते हैं। और प्रोबेंसिड टैबलेट आप एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट के साथ नहीं ले सकते हैं। और इसका कंट्राइंडिकेशन के बारे में बताऊं, कंट्राइंडिकेशन का मतलब हुआ है कि अगर कोई बीमारी, मतलब जो बीमारी बताने चल रहा हूं, अगर ये बीमारी हो तो आप एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट नहीं ले सकते हैं। उसमें है डायरिया, अगर आपको डायरिया हुई है तो आप एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट टैबलेट नहीं ले सकते। आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपका डायलिसिस हो रहा है, तो आप एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट नहीं ले सकते हैं। आपको जॉइंडिस हुआ है, पीलिया जिसको कहते हैं, तो आप एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट नहीं ले सकते हैं। और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी अगर आपको है तो भी आप एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरमेट नहीं ले सकते हैं। तो इसके यही कंट्राइंडिकेशन है, और ये एमोक्सीसाइक्लिन एक अच्छी एंटीबायोटिक है, और ये जो मैंने आपको बताया ये इसका सारी जानकारी है इसके बारे में। तो एमोक्सीसाइक्लिन
है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसको कब लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जो बताया उसके हिसाब से करिएगा। और अपने मन से दवा लेने की सलाह मैं नहीं देता हूँ। आप कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से संपर्क कर लीजिए, उसके साथ बैठ जाइए, उनसे बात कर लीजिए, वो जो दवा कहें वही दवा खाइए। ये मैंने आपको एक जानकारी दिया कि आप जाओगे तो डॉक्टर इसको देंगे, लेकिन बिना पेशेंट देखे, बिना पेशेंट का डिसीज समझे, बिना रोग कितना है इसका अंदाज़ा लगाए दवा नहीं चलनी चाहिए। और बस यही इसकी जानकारी है। तो एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरामेट एक एंटीबायोटिक है जो कि पेंसिलिन ग्रुप से आती है और अच्छा रिस्पांस है, लेकिन अपने से लेने की सलाह नहीं है। आप किसी डॉक्टर के संपर्क में जाइए और डॉक्टर जैसे बताए, एक्चुअली अपने से लेने का मतलब है कि आप इसका डोज कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। डोज कैलकुलेशन या तो डॉक्टर करता है या तो फार्मेसिस्ट करता है। तो फार्मेसिस्ट भी इसका आपको डोज बता सकता है कि कैसे लेना है, क्योंकि दवा लेना है डोज की ही प्रॉब्लम आती है। अगर सारी जानकारी है तो डोज की प्रॉब्लम आती है, लेकिन डोज अपने से आप नहीं ले सकते बिना फार्मेसिस्ट के कैलकुलेशन किए। वो फार्मेसिस्ट जो है वो कैलकुलेशन करके आपको बताएगा कि मेडिसिन कितना डोज आपके एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, और आपका कैलकुलेशन करके बताएंगे कि आपको कितनी मात्रा में दवा लेनी है, कब लेनी है, कितनी बार लेनी है। तो धन्यवाद, आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ, मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी देना आपके लिए अच्छा लगा और जानकारी आप तक पहुँची है। और बस ये कहूँगा कि कोई भी दवा अपने से मत लीजिए, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में जाइए, डॉक्टर के संपर्क में जाइए, डॉक्टर से संपर्क करके तभी दवा लीजिए। तो बस ये जानकारी के लिए मैंने आपको एमोक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोरामेट के बारे में जानकारी दिया है। धन्यवाद। दवा से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। धन्यवाद। स्किन से संबंधित या कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की दवा के बारे में जानकारी के लिए आप जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर के अनुभवी दवा विशेषज्ञ DRX उपेंद्रनाथ मिश्रा से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यही आपके लिए फिर से कहूँगा। धन्यवाद।